हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका ओल्ड क्वेश्चन पेपर है और सोशल स्टडीज यानी सामाजिक विज्ञान का है। देखिए, एग्जाम कोई भी हो, यदि आप वर्ग दो का एग्जाम दे रहे हैं, सोशल स्टडीज आपका सब्जेक्ट है, तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो टेट का एग्जाम हो, चाहे अदर कोई कम्पिटेटिव एग्जाम हो। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं, वीडियो ले लेते हैं आपके 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस तरह से सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में। चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, शारीरिक शिक्षा एक शरीर का, जो शरीर की शिक्षा होती है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि शारीरिक शिक्षा में हम मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, मनोवैज्ञानिक विकास भी होता है। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन से संबंधित कौन खिलाड़ी हैं? दीपा करमारकर, पी वी सिंधु, सानिया मिर्जा या दुती चंद्र। तो इसका देखिए राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा पी वी सिंधु, जो है वो बैडमिंटन प्लेयर्स है। दीपा करमारकर जो है वो आपकी जिम्नास्टिक, ठीक है ना, जिम्नास्टिक प्लेयर है, और सानिया मिर्जा टेबल टेनिस की है, और जो आपकी दुती चंद है ये आपकी कौन है, एथलीट है, ठीक है ना। तो सभी का हो गया ना, तो राइट आंसर पी वी सिंधु हो जाएगा। दालों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो देखिए, दालों में सबसे ज्यादा जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। ओके, क्या पाया जाता है? प्रोटीन जो है सबसे ज्यादा दालों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर इंग्लिश भी दिया हुआ है, आप चाहे तो इंग्लिश भी देख के पढ़ सकते हैं। एलएसडी के सेवन से होता है कौन सा रोग? एलएसडी के सेवन से होता है, तो देखिए ये जो एलएसडी होता है ये एक्चुअली एसिड होता है एक, ठीक है ना, और इसके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। तो उससे सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट किससे होता है? एलएसडी के सेवन से, क्योंकि ड्रग्स ये होता है, ये एक ड्रग होता है जिसको लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? तो देखिए, मानसिक विभ्रम पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका, ठीक है। व्यायाम का लाभ है, व्यायाम का क्या लाभ है? फुर्तीलापन, रक्त प्रवाह में वृद्धि, भूख लगना, उपयुक्त सभी। देखिए, इसमें बिल्कुल सही है, व्यायाम करने से फुर्तीलापन भी आता है, ब्लड सर्कुलेशन भी हो सही ढंग से चलने लगता है, और भूख लगती है, तो मेन जो चीज़ें हैं उपयुक्त सभी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, वृत्त आरेख उपयोगी है। वृत्त आरेख किन चीज़ों के लिए उपयोगी है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो देखिए फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि वृत्त आरेख यानी पाई जो चार्ट होता है, समग्र के संबंध में किसी एक के मूल को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से मैथ में किसने ज़्यादा मार्क्स पाए, इतने मार्क्स पाए, इस तरह के निकाले जाते हैं इसमें आंसर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का NCF आधार पत्रक बल देता है। NCF 2005 मैंने जो अभी वीडियो डाले हैं उनमें भी मैंने इसके बारे में कहा था कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो NCF 2005 जो है इसमें परीक्षा सुधार पर क्या उसने ऐसा क्या कुछ कहा है, किस तरह की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए? तो देखिए, सतत आकलन की व्यवस्था पर वो बल देता है, और हालांकि बल तो बहुत कुछ उसने दिया, खुली पुस्तक समीक्षा पर भी है, परीक्षा में बैठने पर भी, लेकिन जो है सतत आकलन पर है, ठीक है। सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अच्छे नागरिक होना, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही है उपयुक्त सभी, अच्छे नागरिक होना, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, ये सभी चीज़ें जो होती है अच्छे नागरिक शास्त्र के शिक्षा के मेन उद्देश्य होते हैं। ओके, परियोजनाकार महत्वपूर्ण होता है। परियोजनाकार क्यों महत्वपूर्ण होता है? देखिए इसमें एक्चुअली मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ही, आंसर आप इसका बताइएगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें, हालांकि ऐसा ऑप्शन में ए भी कुछ दिया नहीं है, मुझे तो दोनों इसमें ऐसे सही लगते हैं, क्योंकि ये परियोजना जो कार्य होता है, प्रोजेक्ट भी जिसे हम कहते हैं, उसमें विद्यार्थी मेन होता है, विद्यार्थी खुद उसे करता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को क्या करना चाहिए? तो विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए, सभी धर्मों सामाजिक समूह को शामिल करना का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो आपका 4 नहीं बल्कि 1 हो जाएगा, विवादित मुद्दों से बचना चाहिए। ओके, तो भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या को विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? यानी भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ? प्रथम उपदेश का, संबोधि का, महा
महाविनिष्क्रमण का या निर्माण का, तो इसमें बुद्ध के जीवन की किस घटना का? मुझे लगता है कि शायद निर्माण ये सही है। ओके, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? तो देखिए, इसकी जो पुष्टि है हर्ष के अभिलेख से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए, प्रागैतिहासिक काल की बात चल रही है, तो भीमबेटका हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आत्मी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? आत्मी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा आत्मी सभा का, वो होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा 1851 में हुई थी कोलकाता में। किसकी वायस राय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित हुई थी? वायस राय कौन था जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, तो देखिए मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग जो थे, उनके समय में जो है दिल्ली से, सॉरी कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? यानी किस मुगल सम्राट के समय राजा राम मोहन राय थे जिन्होंने अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो इसका राइट आंसर होगा अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था, ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा 1856 में जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? जब ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत का शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है मेरे ख्याल से जहाँ अकबर होगा, कि अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। शेख निजामुद्दीन औलिया इसके लिए किस सूफी संत के शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा, शेख निजामुद्दीन औलिया जो हैं वो बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर के शिष्य थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि इन बदमाशों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात है? कलंदर के नाम से कौन विख्यात है? इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो बाबर होगा। बाबर को जो है कलंदर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का हास अभिलिखित हुआ है? तो मुझे भी नागालैंड ही लगता है। बिल, इसका जो भी आंसर होगा आप जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि हैदराबाद डैश नदी पर स्थित है, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा मूसी नदी पर स्थित है। ओके, और कोयला एक उदाहरण है, कोयला किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा औषधि सेल का उदाहरण है कोयला, ठीक है। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, वे दो ग्रह कौन है जिनके उपग्रह नहीं है? चलो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बुध और शुक्र, यानी कि मरकरी एंड वीनस जो होते हैं इनके अपने उपग्रह नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है, लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वो किस सागर में स्थित है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत सागर में या हिंद महासागर में? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो अरब सागर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फल उद्यान कहा जाता है? विश्व का फल उद्यान किस क्षेत्र को कहा जाता है? सभी वीडियोज अवेलेबल हैं इनके, प्लीज आप उन्हें जरूर वॉच कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा भूमध्य सागरी क्षेत्र को विश्व का फल उद्यान जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? तो पामीर की पठार को संसार की छत कहते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सहारा। सहारा जो मरुस्थल है वो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए और क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि इसमें आपके 60 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पाकल दुर्जोपन बिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? देखिए, जम्मू कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? रोपड़ फसल यानी कि, तो देखिए इसमें रोपड़ फसल नहीं है, तो इसमें जो गेहूं है वो रोपड़ फसल नहीं है। रोपड़ फसल का मतलब क्या होता है? तो रोपड़ फसल का मतलब होता है कि कैसी फसल जिसे एक बार लगा देने के बाद उससे उपज होती रहे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे चाय हो गया, कॉफी हो गया, रबड़ हो गया, तो इनके एक बार पौधे लगा दिए जाते हैं और इनसे फिर जो फल होते हैं वो प्राप्त होते रहते हैं। तो एक बार जिन खेतों में एक बार उन फसलों को बो दिया जाता है तो उससे काफी समय तक उपज प्राप्त होती रहती है, तो उसे क्या बोलते हैं? रोपड़ फसल बोलते हैं। नाटो यानी NATO जो होता है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में, ब्रुसेल्स में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में?
तो देखिए नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में स्थित है, ठीक है, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है, तो देखिए 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4, संघात्मक। ओके, भारतीय सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है, इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 हो जाएगा, वाद विवाद। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है, कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है, उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, तो देखिए इसमें दर्शन शास्त्र बिल्कुल सही है, इतिहास, समाज शास्त्र, सॉरी राजनीति शास्त्र और भूगोल जो है और अर्थशास्त्र भी है, ये जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित है, दर्शन शास्त्र जो है सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है, दर्शन शास्त्र। संविधान के स्थायी सदस्य कौन थे, तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान के स्थायी सदस्य थे। अस्थायी सदस्य की यदि बात आए तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो अस्थायी सदस्य थे। यदि क्वेश्चन पूछ ले संविधान के अस्थायी सदस्य कौन है, तो फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। राष्ट्रपति की अनुपस्थित में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, राष्ट्रपति की अनुपस्थित में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, तो देखिए उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है ना, किसके द्वारा किए जाते हैं, उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं राष्ट्रपति की अनुपस्थित में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो आपका CTBT हो जाएगा, पर व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जो होती है इसको हम CTBT के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसका जो ये 24 सितंबर 1996 को संधि अस्तित्व में आई थी, ठीक है ना, कब, 24 सितंबर 1996 को इसको बनाया गया था, लेकिन भारत और पाकिस्तान अभी दो ऐसे देश है जिन्होंने पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ठीक है ना। और अगर आज की डेट में हम बात करें तो 178 यानी 178 देशों ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए, 178 कंट्री इस पे हस्ताक्षर कर चुकी हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान ने अभी नहीं किया है, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है, सॉरी क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में कहां शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण सूडान, ठीक है ना, कहां, दक्षिण सूडान में 50 भारतीय सैनिकों को स्थापित किया गया था, वहां तैनात किया गया था और वहां पे उनको शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है, बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य और कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण के यानी एजेंट, अभिकरण का मतलब एजेंट है, ठीक है, एजेंसी है। कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है, कौन सा उर्वरक है जो किसान खाद के नाम से जाना जाता है, तो देखिए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है ये किसान खाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होती है, तो देखिए 1 लाख लीटर पानी की मात्रा होती है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है केला का कायिक प्रवर्धन क्या है, तो इसका राइट आंसर किसके द्वारा होता है, प्रवर्धन होता है, केला का कायिक प्रवर्धन होता है तो तने द्वारा होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है, कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है, राइट आंसर होगा सोडियम नाइट्रेट जो उर्वरक होता है ये तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है, खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है, तो देखिए फूल आने से पूर्व की जो अवस्था होती है वो खेत में फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था जानी जाती है, ठीक है। फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है, फल के रस में चीनी की सांद्रता किससे मापी जाती है, तो देखिए रिफ्रेक्टोमीटर, जो आपका रिफ्रेक्टोमीटर होता है इससे चीनी की सांद्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर है फलों के रस को थक्का बनाने के लिए जमाने के लिए पेक्टिन का यूज किया जाता है, ठीक है ना, जेली बनाने में।
टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? टमाटर का जो लाल रंग होता है किस रंजक के कारण होता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका, राइट आंसर इसका होगा लाइकोपिन। लाइकोपिन की वजह से टमाटर का जो लाल रंग होता है वो रक्त रंजक हो जाता है। तो लाल रंग और लाइकोपिन थोड़ा याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नींबू का फल प्रचुर स्रोत है, नींबू के फल में कौन सी चीज पाई जाती है? तो सिट्रिक अम्ल का स्रोत होता है किसमें? नींबू के फल में। केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला तो देखिए ये नागपुर में स्थित है, ठीक है। अचल स्वर कौन से हैं? अचल स्वर इसमें से कौन से हैं आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है अचल स्वर कौन से हैं? तो देखिए अचल स्वर जो आपके हैं सा और पा जो होते हैं ये अचल स्वर कहलाते हैं, ठीक है। राग यमन किस थाट से उत्पन्न है? तो राग यमन जो है वो आपके किस थाट से उत्पन्न है? राग यमन जो है वो आपके कल्याण थाट से उत्पन्न है। संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को कहते हैं, संगीत में अगर समान गति से सतत प्रवाह होता रहे तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसको क्या बोलते हैं, उसको लय बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? लय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा के रचयिता कौन है? तो देखिए इसके जो रचयिता है वो श्याम लाल गुप्ता पार्षद जो है उन्होंने लिखा है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन्स कौन सा कहलाता है? थायराइड से निकलने वाला हार्मोन्स जो होता है वो थायराक्सिन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? थायराक्सिन कहलाता है। जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? जल के माध्यम से भोजन पकाने की जो विधि होती है वो क्या होती है? उबालना कहलाती है, ठीक है ना। उबाल के हम भोजन पकाते हैं। ढोकला बनाने की प्रयुक्त विधि, ढोकला बनाने की प्रयुक्त विधि कौन सी कहलाती है? तो देखिए ढोकला बनाने की जो प्रयुक्त विधि होती है वो खमीरीकरण कहलाती है, ठीक है। कौन सी? खमीरीकरण। खमीरी को खमीर उठा के हम ढोकला बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं, 2 से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? तो देखिए इसे शैशवावस्था कहते हैं, 2 से 6 वर्ष की आयु को शैशवावस्था कहते हैं। और ठीक इसी तरह से जल प्रदूषण का कारण है, जल प्रदूषण का क्या? जल प्रदूषण का कारण है उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। जल प्रदूषण मनुष्य के क्रियाकलाप से, बढ़ती जनसंख्या, कीटनाशक, इन सभी से होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का आपका SST का पेपर, कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है आजकल क्वेश्चन इसी तरह आपके पूछे जा रहे हैं। सोशल साइंस से ही बस क्वेश्चंस नहीं आते हैं बल्कि अदर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आपके इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो एक पैटर्न इसको समझने का कि किस तरह से पेपर आ सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ में, और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो आपके इसी से ओल्ड क्वेश्चन पेपर का ही होगा जो हम मैथ का लेके आएंगे, उसका आप वेट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।